राहुल या मोदी या गठबंधन? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार बननी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जी। और इस समय जो हमारे संगठन के कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उस पर बिल्कुल रुचि नहीं ले रही है। कांग्रेस से उम्मीद है क्योंकि पहले भी उनकी सरकार रही है तो उनको हम लोग को डीए अलाउंसेस वगैरह बहुत अच्छे मिले हैं उनकी सरकार में, और ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, इनको हम मतलब इनसे सहमत नहीं है। तो मतलब 5 सालों में आपके हिसाब से मोदी ने कोई भी बढ़िया काम नहीं किया? नहीं, विकास कार्य किए हैं लेकिन एक एम्प्लॉई है तो हम तो लोग तो सरकार के साथ में ही रहते हैं, सरकार के काम करते हैं, लेकिन हम ही लोग के साथ भेदभाव करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कर्मचारियों की नज़र में, तो इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री कौन हो, बदलाव हो या मोदी या फिर गठबंधन? अब यहाँ तो मेरे ख्याल से गठबंधन ही आगे जा रहा है। अच्छा, यूपी में? हाँ। अच्छा, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री तय होती है। तो अगर यूपी से तय होता है तो फिर यहाँ से ही बनेगा कोई ना कोई। अच्छा। जब गठबंधन आगे जा रहा है जी तो फिर यहीं से बनेगा या यहाँ के लोगों की भूमिका होगी बनाने में जी। तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो पब्लिक चाह ही रही है। अच्छा अच्छा, आप सर? बिल्कुल पब्लिक चाह रही है बदलाव। बदलाव चाह रही है। अच्छा, तो मोदी के आपको कोई ऐसे एक भी कार्य नहीं है जो अच्छे लगे हो? मोदी जी सब अच्छे कार्य हैं जी, लेकिन कुछ गलत भी कार्य हैं। जनता के प्रति जैसे सबसे बड़ा गलत काम ये है, उस समय आप लोगों ने क्या स्टेटमेंट ले रही थी बैंकों के पास खड़े होके, जिनके यहाँ शादियाँ थी वो शादियाँ सिर्फ एक गिलास शरबत पी के लोग चले गए थे वापस, उनके पास इतना पैसा नहीं था जो अपने दरवाजे पे आए मेहमानों की सेवा भी कर सकें। ठीक, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लोग को इशू बनाए घूम रहे हैं, और कुछ अच्छे काम भी है मोदी जी के, ऐसा नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो 2019 में प्रधानमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? मोदी जी को सर। अच्छा, क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि सर मोदी जी तो बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, इसीलिए हम मोदी जी को बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को जानते हो आप? हाँ। कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप, किसकी सरकार रहे? बीजेपी नरेंद्र मोदी की। अच्छा, कुछ आपको उनके विकास कार्य पता है? हाँ। जो उन्होंने किए हो? हाँ। क्या है? क्या टॉयलेट बनवाई उन्होंने? और उन्होंने क्या कहते हैं, सफाई ज्यादा करवा दी, गंगा साफ करवा दी उन्होंने। अच्छा, वो क्या कहते पेड़ के लिए उन्होंने कराया था। अच्छा, पेड़ ना काटो। अच्छा, पेड़ ना काटो, कुछ नहीं, पेड़ लगाने के लिए बोला था। पेड़ ना काटो, पेड़ भी लगाओ। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर इस समय जो अवेलेबल अपने ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आपके हिसाब से क्या मतलब उन्होंने अच्छे काम किए या आगे कोई आप ये चाहते हो कि और भी अच्छे काम हो, क्या चाहते हो आप? बस मतलब क्राइम्स कम हो जाए बस। अच्छा, तो मोदी जी के आने से हुआ क्राइम कम? थोड़ा बहुत तो हुआ है। 2019 में आप किसको प्रधानमंत्री बन? मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मोदी को। अच्छा, मोदी क्यों? मोदी क्यों, राहुल क्यों नहीं? मोदी ने सब कुछ किया है। अच्छा। मोदी ने सब कुछ किया है, मोदी को जो नहीं करना चाहिए वो मोदी ने सारा कुछ किया है। अच्छा जी। और राहुल ने? राहुल लगा जी, कांग्रेस तो 70 साल से लूटती रही और क्या किया कांग्रेस ने। अच्छा, गठबंधन मायावती अखिलेश का गठबंधन? तो गठबंधन है, जब मायावती की क्या चीजा लेकर हो गई थी वहाँ, क्या नाम विधानसभा में, सब जानते हैं क्या है क्या नहीं। वो तो बोल नहीं, 35 सीटों पे चुनाव लड़ रहे दोनों लोग, 35-35 चुनाव, वो सब सबके सामने नजर आ जाए जो चुनाव होगा। नया परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है जी, और सभी जो है चाहते हैं कि रोजगार मिले। रोजगार किसी को भी नहीं मिल रहा है, जितनी नौकरियां वैकेंसी निकालते हैं वो सब कोर्ट या अन्य चीजों से रोक देते हैं, जिससे सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले, नवयुवक सारा चाहता है कि रोजगार मिले, लेकिन ऐसी सरकार ये रोजगार नहीं दे रही है, और जो ये कर रही है उससे ये पब्लिक या बेरोजगारों को कोई फायदा नहीं है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। ठीक चला सके उसके लिए सपोर्ट करेंगे, उस पर सब विचार कर रहे हैं।